नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एंड एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। ये सभी पेशेंट्स बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं तो हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की दूरबीन से ऑपरेशन करने में उनकी हेल्प करते हैं। और इसीलिए ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, इन्हें कैसे डायग्नोस किया जा सकता है और इनकी ट्रीटमेंट क्या है। यूट्राइन फाइब्रॉइड का मतलब है कि यूट्रस के अंदर एक रसौली हो गई है। ये कोई कैंसर नहीं है, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है। इसका कारण क्या है ये बताना ज़्यादातर केसेस में मुश्किल रहता है। और जैसे बॉडी में बहुत सारी अलग अलग बीमारियां अपने आप ही हो जाती हैं, वैसे ही यूट्राइन फाइब्रॉइड्स भी कुछ पेशेंट्स में अपने आप ही देखने को मिलते हैं और इनके अंदर कोई कारण ज़रूरी नहीं है कि मौजूद हो। ये यूट्रस के कई हिस्सों में और कई साइजेस में हो सकते हैं, यानी कि यूट्रस के बाहर बाहर जिन्हें हम सब सीरस फाइब्रॉइड बोलते हैं, यूट्रस की मसल के अंदर जिन्हें हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, और यूट्रस के इनर लाइनिंग के जस्ट अंदर जिन्हें हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। ये एक फाइब्रॉइड से लेके बहुत ज़्यादा नंबर्स में भी हो सकते हैं और इनका साइज़ बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा भी हो सकता है। सो, इनके सिम्टम्स क्या हैं? बहुत सारे पेशेंट्स में इनमें कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता, और पेशेंट जब किसी और कारण से अपना पेट का स्कैन करवाते हैं तो उनमें पता चलता है कि यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड्स हैं। कुछ पेशेंट्स में पेशेंट्स को ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनमें ये सब म्यूकस फाइब्रॉइड है, यानी कि यूट्रस के अंदर की साइड में फाइब्रॉइड है, तो उस केसेस में ब्लीडिंग एक्सेसिव हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में पेन हो सकती है अगर फाइब्रॉइड्स का साइज़ बड़ा है। कुछ पेशेंट्स बैकएक यानी पीठ में दर्द एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली अगर यूट्रस के पिछले हिस्से में फाइब्रॉइड है और सब सीरस है जो हमारे बैक को प्रेस कर रहा है। कुछ पेशेंट में यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि यूरिन का बार बार आना, यूरिन करते हुए कुछ परेशानी होना, बिकॉज यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर पास पास होते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ने से भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर ये पीछे को प्रेस कर रहा है तो हमारे लैट्रिन का रास्ता जिसे हम रेक्टम के नाम से जानते हैं उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो सकती है। फिर हम इसे डायग्नोस कैसे करें? ज़्यादातर पेशेंट्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से ही इनका पता चल जाता है, और अल्ट्रासाउंड में देख के हम बता सकते हैं कि पेशेंट को फाइब्रॉइड्स हैं, कितने हैं, क्या साइज़ के हैं, वो सब कुछ किया जा सकता है। अगर कोई उसमें डाउट लगे देन डॉक्टर्स बोल सकते हैं कि इसका MRI कराइए या CT कराइए, जिसमें इसकी पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। फाइब्रॉइड का एक और मेजर सिम्टम है इनफर्टिलिटी। कुछ पेशेंट्स में स्पेशली अगर फाइब्रॉइड सब म्यूकस हो, आपकी एंडोमेट्रियम को पुश कर रहा हो, तो ये बच्चा होने में एक रुकावट पैदा कर सकता है, इम्प्लांटेशन फेलियर कर सकता है, और ये कारण बन सकता है आपकी इनफर्टिलिटी के लिए भी। अब हम बात करेंगे कि फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर फाइब्रॉइड्स बहुत छोटे हैं, आपको कुछ भी सिम्टम नहीं दे रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं, तो हम इसकी वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, यानी कि बिना कोई ऑपरेशन किए जस्ट ऑब्ज़र्व कर सकते हैं देखने के लिए कि फर्दर लाइफ में ये कोई सिम्टम करते हैं या नहीं। इनमें कैंसर बनने का रिस्क काफ़ी कम होता है, और जब फीमेल्स अपना मेनोपॉज अचीव कर लेती हैं तो उसके बाद इनका साइज़ बढ़ने का भी रिस्क कम हो जाता है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड्स की वजह से आपको कोई सिम्टम हो रहा है जो हमने ऑलरेडी पहले बताए हैं, देन उन केसेस में इनका ट्रीटमेंट ज़रूरी हो सकता है। फाइब्रॉइड्स के लिए कुछ मेडिसिंस हैं जो इनका साइज़ कम करने में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन वो यूजुअली फाइब्रॉइड्स बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं करते। यानी कि अगर ऑपरेशन कुछ देर तक अवॉइड करना है तब कुछ डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिंस पे डाल सकते हैं ताकि आपकी सर्जरी कुछ हद तक डिले हो सके। ऑपरेशन इसके दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी है जिसमें पेट में चीरा लगाकर आपके यूट्रस में से फाइब्रॉइड को रिमूव कर दिया जाएगा और बाकी बचे हुए यूट्रस को सील दिया जाएगा। फाइब्रॉइड के दूरबीन से ऑपरेशन के बहुत सारे फायदे हैं। इनमें बहुत छोटे छोटे होल्स आते हैं, पेशेंट का कोई मेजर कट नहीं लगता, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द काफ़ी कम रहता है, और पेल्विस में यानी कि पेट के लोअर हिस्से में ऑपरेशन के बाद एडिशंस कम बनते हैं। यानी कि अगर हम इस हिस्से में ओपन सर्जरी करते हैं तो
तो उस हिस्से में बहुत सारी चीज़ें चिपक जाती हैं जिससे बाद में इनफर्टिलिटी होने का रिस्क रहता है। लेकिन दूरबीन के साथ यही ऑपरेशन करने से वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। और अगर आप बेबी चाहते हैं देन उसके होने में नेचुरल प्रोसेस में आपको हेल्प मिलेगी और सर्जरी की वजह से इनफर्टिलिटी होने का चांस बहुत कम रहेगा। दूरबीन के अलावा ये ऑपरेशन रोबोट से भी किए जा सकते हैं। रोबोट एक असिस्टेड मशीन है जिससे हम और भी ज़्यादा प्रेसिजन से पेल्विस के अंदर काम कर सकते हैं और इसमें जो लगाने वाले स्टिचेस हैं वो और भी महीन तरीके से लगा सकते हैं। आजकल सेल्फ लॉकिंग सूचर्स आ गए हैं जिन्हें हम बार्ब्ड सूत्र के नाम से भी जानते हैं, जिससे कि ये लगने वाले स्टिचेस बहुत जल्दी लग जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा है और ब्लड लॉस भी कम होता है। रोबोटिक सर्जरी से बहुत सारी गायनी सर्जरी जैसे कि मायोमेक्टमी यानी कि यूट्रस में फाइब्रॉइड को रोबोट की मदद से रिमूव करना, यूट्रस रिमूव करना यानी कि हिस्टरेक्टमी, ओवेरियन सिस्ट या एंडोमेट्रोटिक सिस्ट जो कि एक सिस्ट हो जाती है पेल्विस में, ये सभी ऑपरेशन भी रोबोट की सर्जरी से किए जा सकते हैं बहुत ही प्रिसाइजली। मायोमेक्टमी में सूचरिंग की ज़रूरत होती है यानी कि जब हम फाइब्रॉइड यूट्रस में से निकाल के अलग कर देंगे तो बचे हुए यूट्रस को दोबारा से सिलना पड़ता है और रोबोट इस सूचरिंग में बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। बिकॉज रोबोटिक सर्जरी में सूचरिंग यानी कि अंदर लगाने वाले टांके बहुत ही ईजीली लगाए जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, उनकी फैमिली कंप्लीट है, मीनोपॉज हो चुका है, तो उन केसेस में पेशेंट ऑप्ट कर सकते हैं बच्चेदाने को रिमूव करवाना, जो अगेन ओपन या लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक टेक्निक से किया जा सकता है। फाइब्रॉइड की सर्जरी या रिमूवल ऑफ यूट्रस की सर्जरी ये यूजुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी रहती है, इसमें कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको फाइब्रॉइड के लिए बहुत सारे सिम्टम्स फेस करने पड़ रहे हैं देन आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलिए, इसका समाधान यूजुअली काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है और इसका ऑपरेशन करवाकर आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए।